बिसम राहम नाजी असलम प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ यासर रहमान नाजिर मोदी ने कुछ दिन पहले मकबूज़ा कश्मीर में विज़िट किया और मकबूजा कश्मीर में उसने एक मखसूस जगह का इंतबाब किया उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा मोदी को खदसात थे उसको अंदाज़ा था कि अगर मैं उस मखसूस इलाक़े से आगे पीछे जाता हूँ तो यकीन फिर कश्मीरी जो है आ, आ, उनको पूरा पूरा हक़ हासिल है कि वो कश्मीरी जो है वो उनके ऊपर अपना एहतज रिकॉर्ड करा सकते हैं कश्मीरियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराया मोदी के आने से कुछ घंटे पहले कुछ देर पहले तक आ, जो है वो कश्मीरीओं ने एक रिकॉर्ड यकीन एक, एक महकूम कौम जिसके ऊपर इतने मजारिम ढाए जाएँ उसने यकीन अपना रिकॉर्ड एहत जो है वो इस तरह भी रिकॉर्ड कराया कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर हमला भी किया गया उनको बताया भी गया एक पैगाम भी दिया गया गया मैसेज भी दिया गया कि अगर आप कश्मीर को ये समझते हैं कि जी इसको ताकत के बलबूते के ऊपर एक मिलियन फौज को यहाँ पर लागू करके आ उत, उसके तसलुत के तौर पे मकबूजा कश्मीर को मह, महकूम रख सकते हैं कश्मीरियों को महकूम रख सकते हैं तो आप नहीं रख पाएंगे इसी तरीके से जनाब उसके फ़ौर बाद सत्ताईस अप्रैल को ये भी खबर थी कि जो उनके प्रेजिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जिनको उनके अपने मंदिर में जगह जाने की नहीं मिली और उन्हें सीढ़ियों पर अपने अपनी इबादत जो है वो करनी पड़ी अपनी मजहबी रसमात अदा करनी पड़ी आ, उन्हें भी शौक चढ़ाया कि वो कश्मीर विज़िट करेंगे आ, लेकिन उससे पहले उन्हें बताया गया कि जनाब यहाँ हमें मोदी को हम नहीं संभाल सके कश्मीरियों ने इतना ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड किया और एक हमने एक फर्जी सी सैरमनी करके और मोदी को वापस कर दिया क्योंकि आर्टिकल थ्री सेवेंटी थर्टी फाइव ए के खात्मे के बाद मोदी ने जो पहला बाब्ता विजिट किया था वो नहीं कर पाया ये विजिट मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ तो आप जो है वो किस तरह एक कॉन्वकेशन से खिताब के लिए आ सकते हैं तो आप अभी ना आए तो बेहतर है क्योंकि मकबूजा वादी के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आप जैसी शख्सियत जो है या हिंदुस्तान का जो सदर है उसको मकबूजा वादी के अंदर जो है वो ये मकबूज़ा कश्मीर के अंदर उसे एक्सेप्ट किया जाए यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर सिक्योरिटी की लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इस क़दर मखदूश है कि एक मिलियन आर्मी के होते हुए भी उनकी जो शख्सियात हैं वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में विजिट नहीं कर सकती तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी फिर सत्ताईस हज़ार करोड़ यहाँ पे कैसे आएँगे फिर ये जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं आ, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको कि आप यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज लेके आए बड़े बड़े मॉल्स बनाएं तो वो मॉल्स कैसे बनाएंगे ये यह यहाँ पे सवाल पैदा होता है हम आज के इस प्रोग्राम में मोदी के विज़िट रामनाथ कोविंद के जो विज़िट जिसे मुलतवी किया गया बज़ाहिर जिसे मंसूख किया गया उस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि कश्मीरी इतनी पाबंदियों के बावजूद कैसे अपना एहताज रिकॉर्ड करवा रहे हैं इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास अब हुसैन वानी साहब ने आप सीनियर हुरियत रहनुमा हैं और अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं अलताफ़ वानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमें ज्वाइन किया आतीको रसूल साहब ने आपका कश्मीर के हवाले से बड़ी गहरी नज़र है और कानूनी पहलुओं के ऊपर बड़ा आ, बड़ा काम है आपका बहुत शुक्रिया आतीक साहब आपका अलताफ़ वानी साहब मोदी के विज़िट को रामनाथ कोविंद के विज़िट की कैंसिलेशन को और इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सिक्योरिटी को लाइन ऑर्डर को बहाना बनाया गया उसको आप कैसे देखते हैं देखिए पहली बात तो ये है कि मोदी पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस के इकदाम के बाद पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर आ रहा था और ये शुदा था कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो कुछ हालात उन्होंने पैदा किए हैं मकबूज़ा कश्मीर के अंदर पिछले तीन साल से और जिस तरह से कश्मीरीों को महकूम बनाया गया न सिर्फ आ, अपने मिलट्री एग्रेशन से बल्कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल टेर्रज़म भी कश्मीर के अंदर किया उसके ज़रिए से कश्मीरी कश्मीरी को डिसम्पावर करना मॉडलाइज करना और उनके तमाम हकूक़ छीन कर उन्हें हिंदुस्तान के ताबे करना हिंदु, हिंदुता के तबे करने के लिए जो कोशिशें की थी इसका रिएक्शन कश्मीर में होगा और हर सतह पर होगा वो रिएक्शन पब्लिक सतह पर उसके लिए एहतजाज भी होगा उसके लिए हड़ताल भी होगी उसके शटडाउन भी होगा और ये भी हो सकता है कि कश्मीर के अंदर जो नौजवान जो जु, जिनको हिंदुस्तान ने दीवार से लगाया है वो लोग और अंदाज भी अख्तियार कर सकते, सकते हैं।, हैं इसका अंदाज़ा था इसलिए इसके लिए इंतखा किया गया चूँकि जम्मू के एक इलाके का वहाँ पर ये करने का और वहाँ पर मोदी आए और यह भी पता था कश्मीर के अंदर कि मोदी क्या करने आ रहा है और क्या बेचने के लिए आ रहा है उसने बेचना था वहाँ पर यह हमें पहले से मालूम था कि एक तो हिंदुस्तान दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कश्मीर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सी है जो कोई इकदाम हमने किए हैं कश्मीरों ने उसको सद के दिल से तस्लीम किया है दूसरी बात जो दुनिया को बताना चाहते हैं वो कि कश्मीर के अंदर ये चांद लोग थे जिनको हमने रेडिकेट किया अब कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर वहाँ पर नुकसाम का कोई मामला नहीं है बिल्कुल साजगार माहौल है आपके इन्वेस्टमेंट का आप कश्मीर के अंदर आ जाए इन्वेस्टमेंट करें देखिए अगर हम देखें पिछले तीन साल से लगातार ये मंत्रा हिंदुस्तान बेच रहा है और हिंदुस्तान के आ, जो भी हुक्मरान तबके में जो भी लोग वहाँ पर आते हैं इसी मंत्रे को बेच रहे हैं और इसको कहते हैं कि वहाँ पर साइलेंस है वहाँ पर अमन है वहाँ जिन्हें दुनिया के, के, के अखबार ने कहा कि द साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड ये कोई ऐसी साइलेंस नहीं है ये बल्कि कब्रिस्तान की साइलेंस वहाँ पर है क्योंकि हर घर के सामने आपने फौजी खड़े किए हैं और इन फौजियों को आपने लातदाद इख्तियार दिए हैं वो किसी के के अंदर दाखिल हो सकते हैं मार सकते हैं इस सारा। और फिर आपने देखा कि मोदी के आने से पहले ही जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो विजिट है वो भी पोस्टपोन हुआ अगर हम देखें कि मोदी के आने से कश्मीर के अंदर जो वो बेचना चाहते थे डेवलपमेंट अमन हुआ उसके अलर्ट अब उसके आने से 24 घंटे और उसके बाद के 24 घंटे में कश्मीर के अंदर अगर इन 48 घंटों का पूरा जमा करें तो कश्मीर के अंदर 10 के करीब जो शहादतें हुई मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फेक इनकाउंटर्स में मारे गए और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान की फ़ौज ने लोगों की प्रॉपर्टियाँ जला कर कर दी और कश्मीर के हर गली कोचे में जो आ, सीज एंड सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहे वो इस इसका ताल्लुक ये सारी चीज़ें एस करके सिक्योरिटी ने शायद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये एडवाइस किया कि आपका आना जो एक कन्वोकेशन में आ रहे थे वो आपका आना इस वक्त दुरुस्त नहीं है क्योंकि जम्मू के अंदर क्योंकि आपने जो मोदी ने खिताब किया उसमें तो उन्होंने उन लोगों को रोप किया था जो सो कॉल्ड पंचायत मेंबर्स थे या आर एस एस बीजेपी के लोग थे उनको लाया था दूर दराज से सरकारी मुलाज़मों को उठा कर लाया था एक शो ऑफ करने के लिए लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट ने चूँकि एक कन्वोकेशन को खिताब करना था और ये नब्ज़ देख करके लोगों का नब्ज़ क्या है क्योंकि स्टूडेंट्स होंगे और वो जम्मू के अंदर जिस तरह से डोगरे जो जो एक वक्त में खुश थे कि तीन सौ सत्तर या पैंत ख़त्म हुआ उन्हें पता चला कि इसका सारा नज़ला चूँकि उन पर गिर रहा है लोग वहाँ पर ज़मीनें ख़रीद रहे हैं लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनको उनको लोगों को वहाँ पर बेघर किया जा रहा तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानब से उस्मान बुजदार का इस्तीफा आईनी ऐतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया गया गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुजदार का इस्तीफा मुस्रद करके स्पीकर पंजाब असेंबली नॉन कश्मीरी जो है उनकी आबादकारी को ले लें ये सारे इकदाम तो सारे उठाए हैं लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ये बताती है कि ये कि इनका इकदाम कोई भी अमली तौर पर इसकाबिल नहीं है कि उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके क्योंकि अगर मोदी विजिट नहीं कर सकता रामनाथ कोविंद जो है वो विज़िट नहीं कर सकता तो फिर कल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी फिर कल इनकी जो कठपुतली इंतजामिया है वो कैसे वजूद में आएगी जिसको ये लाना चाह रहे हैं ताकि उससे रिकमेंड करा सकें आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए के खात्मे के जवाब को देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अगर हम देखें इस सारी चीज़ को इससे पहले भी हिंदुस्तान की जो हुकूमत है इस वत... उन्नीस uh, पाँच अगस्त uh, उन्नीस दो हज़ार उन्नीस के बाद उन्हें दो सौ के करीब कोई एम ओ यू साइन किए थे कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कि वो इन्वेस्टमेंट कश्मीर में लेकिन कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं हो सकी जो अभी भी आया मोदी साहब जो उसने तकरीर की जिसमें उसने बड़े डेवलपमेंट के दावे किए बड़ी चीज़ें किए और साथ साथ कश्मीरी नौजवानों को भी मुखातब हुआ कि आपको सख्तियाँ नहीं झेलेंगी लेकिन आपके लिए हमने बड़े लेकिन दुनिया ने देखा कि कश्मीरी नौजवान किस तरह से मोदी की डेवलपमेंट को इंजॉय कर रहे हैं जो भी जबान खोलता है उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग जाता है जो भी कलम से लिखने की कोशिश करता है उसके खिलाफ यू ए पी ए लग जाता है वो जेलों के अंदर चले जाते हैं इस जो भी लीडर बोलने की कोशिश करता है उसको तिहाड़ जेल की राह दिखाई जाती है और ये सारी चीज़ें अगर अगर अगर, अगर उनका कहना दुरुस्त है अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है अगर वहाँ अमन है तो फिर ये काले कवानीन क्यों इनका इतला क्यों इनको इनको क्यों इतने ज़ोर से वो इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ तक बात है कि अगर वहाँ पर अमन होता पहले ये टेस्टिफाई करेंगे ये ये बड़ी स्पेकुलेशनस थी लोग लिख रहे थे कि मोदी आएगा शायद इस दफ़ा वो ऐलान करेगा कब इंत होंगे तो इससे पता चला कि उसकी कली खुल गई कि ये जो नॉर्मल सी ये बाकी चीज़ें जो बेचते हैं अमन की बेचते हैं ये तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बेचते हैं अगर ज़मीन पर नॉर्मल सी होती शायद वो इंतखबा का भी ऐलान वहाँ पर करते सारी चीज़ें क्योंकि वो चीज़ें उनको वहाँ नज़र नहीं आती दैट वॉज नॉट पॉसिबल और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर चाहे जो आज़ादी पसंद वो तो हमेशा उसके खिलाफ थे लेकिन जो जिन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ पिछले तिहत्तर चौहत्तर साल काम किया वो लोग भी उनके साथ नहीं हैं डोंट बाई इट सो कौन किस के साथ इंतजन महबूबा हो फारूक हो दूसरे हो जो भी लोग हों वो कहते हैं कि यार ये तो आया था यहाँ पर क्या करने आया था वट फार अब आज देखें जुल्म की बात यह है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर आज आ, रोजों के अंदर भी सीज एंड सर्च ऑपरेशन हर जगह पर हो रही हैं और ख़ास कर वादी कश्मीर में और मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है इस सारी चीज़ में ये इसकी नज़ीर नहीं मिलती है जुल्म की और उसके बाद भी वो समझें कि यहाँ पर शायद आ, हमारे जो इकदाम हैं वो कामयाब होंगे हाँ प्रोपगंडा मशीनरी उनके पास है उनके पास मीडिया है वो सारी चीज़ें उससे फैलाते हैं लेकिन आई थिंक कुछ नादान दोस्तों के सिवा आ, बाकी लोग इसको बाई नहीं कर रहे हैं आज भी जगर, आप रहे हैं भाई। अगर अगर ऐसी चीज़ होती कदर पर वो लोगों को ये मना नहीं करते श्रीनगर की जाम मस्जिद और दूसरी बड़ी जो मसाजद हैं उसमें इबादत के लिए वो मना नहीं करते उस पर पाबंदी लगाई ये सीधी सादी जो उनकी बौखलाहट है और मजहबी जो हकूक़ है उनमें मुदाखलत है जबकि हमने देखा रामनवमी का त्यौहार हो बाकी चीज़ हो उन फेस्टिवल करने हैं के बड़े जत्थे जमा होते हैं लेकिन मुसलमानों को, को इकट्ठा होने नहीं देना है, है। वो अपनी वादार भी नहीं कर सकते। तो सारी पता चल जाती हैं वो हो सके अतीको रसूल साहब हमने पिछले दिनों देखा जी एक्सपोज इन्वेस्टमेंट एक्सपोज भी हुई जो इनका लेफ्टिनेट गवर्नर है उसने भी बड़े भांगे दौल जो है वो दावे किए उसने कहा कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे मकबूजा कश्मीर में दूर और शहर की जो है वो नहरें बहा देंगे लेकिन ये एक मैसेज नहीं है डोंट यू थिंक के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी यहाँ पे जिनको ओरिएंटेशन जिनकी करवाई गई चाहे वो हिंदुस्तान से हों या हिंदुस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के भी कुछ दोस्त ममालिक हैं तरीना दोस्त ममालिक हैं वो भी हों कि उनके लिए एक मैसेज नहीं है कि दिस इज़ दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू अनटिल इट इज़ रिजॉल्व देखें ना आप जो लास्ट विजिट हुआ है इन्वेस्टर्स का जो हमारे खलीज के ममालिक वो लोग आए हैं उसके कितने वक्त के फ़ौर बाद जो है कितना वक्त गुज़रा है कि मोदी ने विजिट किया है उसके बाद कितना वक्त गुज़रा है कि उनके प्रेजिडेंट जो है वो कश्मीर के विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली उसका पीछे बेसिकली ये पैगाम देना चाह रहे थे उनको लेकिन उल्टा हो गया उल्टा हो गया वो चाह ये रहे थे कि वहाँ पर हमने जो कुछ करना था दो अढ़ाई सालों में हमने वो अचीव कर लिया है अब जो उसका नेक्स्ट फेज है वो इन्वेस्टमेंट करने से ही हमने जो है वो उसका आगाज करना है और इसके लिए ये बड़ी सेफेस्ट प्लेस है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग मिलेगी आपका बिजनेस जो है वो फली फूलेगा और कश्मीरियों को उनका मैसेज ये था जो मीडिया के जरिए वो फैलाने की कोशिश करते हैं जिसे हम फेक न्यूज़ का जो सिलसिला है उसके ज़रिए हम देखते हैं तो उसके लिए जरिए वो कोशिश कर रहे थे कि, कि कश्मीरी को ये दिखाएंगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के और आप दीगर जो आपके मामलात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं और साथ साथ वो अपने विजिट के जरिए ये दिखाना चाह रहे थे कि अब हमारे लिए ये एक फ्री जोन बन चुका है और हम इसको फुली कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन इसके बिल्कुल भरअक्स नजर आई है मोदी का विजिट बुरी तरह नाकाम हुआ इसी तरह जो उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट है वो यहाँ पर नहीं आ सका फिर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको जो कुछ नजर आना और चाहिए फ्रीली फ्री जा भी नहीं सकते नहीं हो सकता वो एक डल डल का जो है वहां तक महदूद होते हैं उससे ज्यादा जम्मू सिर्फ जम्मू और जम्मू का भी एक खास इलाका और उसमें भी जो वो पंचायत का बेसिकली जो इलेक्शन का और नहीं नहीं मैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स की बात कर रहा भी जो है ना इन्वेस्टर तो जगह देखता है फिर okay. इन्वेस्टर क्लाइंट देखता है क्योंकि जहां कागजों में उन्होंने तो कहा है कि हमने इतनी जमीन देगी सारा कागजों में है बट वी डी नॉट सी एनी बड़ी किसी खास लोकेशन पर किसी जगह देखें इन्वेस्टर ये ठीक होती है हमने देखा है कि ऐसी चीजें एम ओ यूज भी साइन होते हैं बाकी चीजें भी साइन होती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर देखता है कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंटमेंट क्या है और क्या चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हिंदुस्तान इस्लामी दुनिया में ये फैला रहा है कि मुसलमान कश्मीर के अंदर है हम मुसलमानों की बेनिफिट के लिए ये कुछ कर रहे हैं और वहाँ नौजवानों के रोजगार के लिए ये कुछ कर रहे हैं बट हैव टू सी वेदर या क्या ये उन मुसलमानों के रोज़गार के लिए मुसलमान नौजवानों के रोज़गार के लिए या ये सेटलर कॉलनिज्म है क्या या ये हिंदुस्तान अपने सेटलर्स वहाँ पर ला रहा है अब जो हिंदुस्तान के उस लेफ्टिनेट गवर्नर ने भी उस तक्रीम के शुरू में कहा कि आज वो खाब पूरा हुआ है एक वान एक प्रदान एक निशान का जो उनका बीजेपी का निशान तो वो वो का ये था वो वो कश्मीरियों का एक ख्वाब था हाउ कम कश्मीरी एक्सेप्ट दिस कश्मीरियों ने कब इस ख्वाब को माना कुर्बानिया से कश्मीरियों ने इस खाब देखने वाले को की तो जान कश्मीर में निकल गई थी जब वो कश्मीर में गिरफ्तार था उसकी जान खुद कश्मीर में निकल गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जान उसी इसी यही ख़्वाब लेकर जब कश्मीर आया था उसकी जान वहाँ पर निकली थी उस उसको गिरफ़्तार कर ये कश्मीरियों का ख्वाब नहीं था कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के न कभी विधान को माना है न उसके प्रधान को माना है न उसके निशान को माना है हिंदुस्तान ने कश्मीरियों का उनका निशान छीन लिया है उनका आइन छीन लिया है उनकी शनाख्त छीनने की कोशिश की है तो कश्मीरी उसको रेजिस्ट करेंगे और हिंदुस्तान के हर चीज़ के एडवोकेट टुवर्ड्स द वेरी लास्ट हैंड ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान ने इस वक्त कोई काला कानून ऐसा नहीं है जिसको ना लागू किया हो अदालतें जो है उनकी टुटलैस हो चुकी हैं इसके साथ साथ उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इम्प्यूनिटी हासिल है एक इम्यूनिटी एक होती है इम्प्यूनिटी हासिल है उनको और इंप्यूनिटी के साथ साथ फिर यानी कोई ऐसा और नंबर्स में भी अगर आप देखें तो हर सात छः कश्मीरियों के ऊपर एक फ़ौजी उनका तैनात है मुसल्ह फौजी उनका तैनात है husband family, husband इन सब के बावजूद कश्मीरी नौजवान यूथ उठती है और मोदी के आने से आमद से चंद घंटे पहले अपना मैसेज डिलीवर कर देती है किस हद तक एक मैसेज है क्लियर कट हिंदुस्तान की पूरी रियासत को कि आखिरी कश्मीरी तक जो वो चाहते हैं वो नहीं होगा जो कश्मीरी चाहते हैं वो होगा देखिए ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि एक दुनिया के लिए भी मैसेज है आप पूरी दुनिया को उठा के देख लें जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस जो ख़ुद को कहलाते हैं और जो इंडिया के साथ इवन जो अपने इकोनॉमिक टाइज़ जिन्होंने रखे हुए हैं और जिनकी बदौलत जो है वो शायद इतनी शेय उसको मिलती है कि वो कश्मीरियों को लास्ट सेवेंटी फोर सेवनटी फाइव ईयर्स से जो है वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है उनके लिए भी एक मैसेज है कि कश्मीरी जो है वो कभी भी अपनी डिग्निटी अपना वक़ार जो है वो खोने नहीं देंगे अपनी लिबर्टी अपनी आज़ादी जो है वो कभी भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे काले कवानीन का जहाँ तक जिक्र है देखें ये डेमोक्रेसी दुनिया सो कॉल्ड बेसिकली ये कहते हैं है तो ये कुछ और ही सिलसिला डेमोक्रेसी देखें ओकलोक्रेसी का आज का जो है वो गवर्नमेंट लेड बाय मॉब बेसिकली और जो हिंदुत्व की सोच रखने वाले लोग हैं अब इसमें जब ये काले कवानी ख़त्म होंगे हर एक शख्स आज़ाद होगा कोई भी कश्मीरी आप देखें आपने इंडिया की कोर्ट्स का जिक्र किया आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फेसबुक पे एक आर्टिकल छोटा सा लिखा उसने उस पे उन्होंने कहा कि ये नहीं लिख सकता इससे आर्टिकल 19 ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी जो रू है वो वायलेट हो रही है आप इंडियन की, इंडिया की के इंडिया के जो किन कानूनों के हवाले से जिनका जिक्र कर रहे हैं आप पे यूएपीए का जिक्र किया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट बड़ी बड़ी दिया 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 बड़ी 22 किस्म की रूह नहीं है कि जब मुसलमान या कुछ तरह के लिखे सुप्रीम कोर्ट तो वो फौरन तड़प पड़ती है एक जो हिंदुत्व का की सोच रखने वाला एक अंतहाप पसंद हिंदू है उसके अल्फाज जो है वो अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट से निकल रहे हैं और उन पर फैसले किए जा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो वो मैं ये समझता हूँ कि वो मोदी के साथ बिल्कुल इन लाइन है जो डिलीवर किया है जी सत्रह अठारह घंटे पहले जी जी आप उस पर आप देख लें कि वो बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो कभी भी एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपनी इस बात से हुकूमत इंडिया की चाहे जो कुछ मर्जी है कर ले चाहे छः कश्मीरीों पर फौजी एक ले आए या चाहे हर कश्मीरी के लिए भी एक फ़ौजी ले आए वो अपने मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटेंगे ये उनका बड़ा क्लियर कट मैसेज है दुनिया के, के लिए भी जो हिंदुस्तान की हो तो फेल होगी ऐसा इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं अपनी बात करवा सके और मनवा सके देखिए तो हिंदुस्तान की रियासत ने पिछले तिहत्तर साल से बिलुमूम पचहत्तर साल अपनी तमाम तर ताकत कश्मीरियों के ऊपर सरफ की और पिछले तैंतीस साल से अपनी पूरी फौजी ताकत और पिछले तीन साल से अपने तमाम तर कवानीन जो जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉरफेयर कश्मीरियों के ऊपर लागू किया और आज की कल की जजमेंट के कश्मीर कोई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लिख सकता अखबार वाला ये। तो ये वायलेशन है ये किसी जगह फ्रीडम ऑफ स्पीच के जमरे में नहीं आता है यानी आप हिंदुस्तान की सरकार यहाँ तक गिर गई तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी सरकार हैज़ फेल्ड कि उसके तमाम तरह कंडे जितने भी थे चाहे वो मिलिट्री के थे चाहे वो लालच के थे चाहे वो दोस्त के थे चाहे वो दबाव के थे चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वारफेयर था चाहे वो कोई और वारफेयर जो उन्होंने वहाँ पर खेला तो उसमें वो नाकाम होकर वो अब माइक्रो लेवल पर भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिशों में लगी हुई है ये साफ दिखाई देती है कि इंडिया हैज़ फेल्ड दो कर्टेल द कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल कश्मीरी की विल जो है उसको दबाने में हिंदुस्तान नाकाम हो चुका है सही है एडवोकेट आतीक रसूल साहब इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो है वो यकीन इस वक्त जो है उनके अपने बड़े मसाइल हैं जिसके वो नबरदजमा होने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी जो है बार बार अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने वतन के लिए अपनी कश्मीरियत के लिए अपने उस जो है वो के राइट है जो उनका।, जी आ, जो उनका राइट है बर्थ राइट जिसे सकते हैं वो दे के बार बार उनको उठाने की कोशिश करते हैं उनका जमीर जगाने की कोशिश करते हैं बट दर्ल्ड कम्यूरस्टेंड वही फिर मसला पैसों का वही इकनॉमिक और फाइनेंशियल जो उनके मामला हैं जो आप जो समझ लें कि जो बड़ी ताकतें हैं उनकी मंडी है बड़ी असले की खरीदारी के लिए अदरवाइज जो मामला हैं उनको देखें अगर तो सिर्फ़ जो अपने उन, उन ममालिक मफादात जो हैं उनको लेके बड़ी जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस जिन्हें मैं बार बार कहता हूँ वो उन मफादात को लेकर जो है वो इस बात को आगे लेके बढ़ते नहीं है जिसकी वजह से आज तक ये मसला उस तरह से उजागर नहीं किया जा सका मैं ये समझता हूँ कि हमें इंसानी हकूक़ को पहले देखना है आप यू के जो साइन करने वाले ममालिक हैं जो ट्रीटीज़ को या यू डी को या जो दीगर आई सी सी का हम जिक्र करते हैं सीडा का जिक्र करते हैं सी यू एन सी आर सी जो कन्वे द र चाइल्ड है उसका हम जिक्र करते हैं फिर और दीगर जो कन्वे उन के जो सिग्नेटरीज हैं कंट्रीज मैं समझता हूँ कि उन्हें अपनी जो जो फाइनेंशियल या इकनॉमिक गेंस हैं उनको एक लंबे के लिए पीछे रखना है और इंसानी हकूक को मद् नज़र रखें और उसको सामने रख के ये कश्मीरियों के जो स्ट्रगल है उसके जो राइट्स की स्ट्रगल है उसको वो सपोर्ट करें तो शायद सूरत बेहतर हो जाए बिल्कुल ठीक है अब तो करना चाहिए वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया अब तो आप करना, करना होगा था जो था है था वो आई हैव टू वाइंड अप जनाब एडवोकेट रतीको रसूल साहब और वानी साहब आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी नासन हमारी डिस्कशन से भी और जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं उससे यही साबित हो सकता होता है कि जो िम रियासत है अगर उसका सदर उसका जो वजे अजम है उनका जो वज़ी अजम है उसके विज़िट को इतना महदूद कर दिया जाए कि सिर्फ चार पाँच लोगों तक उसे महदूद कर दिया जाए और जो सदर है उसके टोटल विज़िट ही कैंसिल कर दिया जाए तो ये बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि एक तो वहाँ पर अमन नहीं है और अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कश्मीरीों के हक़ हक़ुदियत नहीं मिल जाता और दूसरा ये मैसेज जाता है उन सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी जिनके पीछे भी मुबैना तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया ही की है कि आपके लिए भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो बिल्कुल ख़ाक हो जाएगी उसका कोई रिटर्न नहीं होगा क्योंकि कश्मीरी जब तक आज़ाद नहीं होंगे वो किसी माशी पैकेज को किसी सपोर्ट को किसी लाइफलाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही सबसे सब बड़ा मैसेज आता है कश्मीरी बार बार अपना खून के ये मैसेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना यासर रहमान को दीजिए इजाजत लाने के बाद